क्या निम्न कोई साधक अगर प्रणाम करे तो उसको एक कनिष्ठ भावना से देखना चाहिए? कनिष्ठ भावना कनिष्ठ कोई है ही नहीं, कनिष्ठ कोई है ही नहीं। ब्राह्मण आचंडार कुक्रांत करि दंडवाद करि बहुमान्य करि ऐसे वैष्णव धर्म सभा प्रणति से धर्म ध्वजार इतने नहीं होते। ब्राह्मण आचंडार कुकुर से लेकर के सबको दंडवाद करना चाहिए, सबको दंडवाद यही वैष्णव धर्म है। सब में प्रभु है जान करके, सब में प्रभु जान करके सबको दंडवत प्रणाम करो, सबको दंडवत प्रणाम। सामने वाले ने तुलसी पहन रखा है कि नहीं उससे को लेना चलेगा? माने ये जो बाहर चंडाल पर्यंत कहा जाए जो वैष्णव नहीं है उसको चरण पकड़ के नहीं, उसको मन ही मन करवंदन करवंदन मन ही मन ये नहीं प्रणाम करेंगे, ये तो बाहरी मर्यादा उल्लंघन हो जाता है। मन ही मन में सोचता हमारे विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु जी मन बहुत मलिन हो गया, भजन में स्फूर्ति नहीं, तो सोच रहे हम गोसाई हैं अभिमान ही हमारे मन को मलिन करके रखा है, हमारे अंदर अभिमान हम गोसाई है, हमारे सब मर्यादा प्राप्त है प्रणाम है, ये अभिमानी हमको नष्ट करे उनके दीनता विनम्र ना, तो क्या करें भाई ये अभिमान को हटाए कैसे? तो वहाँ से एक उस समय तो ऐसा सुविधा नहीं थी, उस समय तो भांगी थे वो तो रिश्ता साफ करती थी माथे में करके, तो एक भांगी मैया विष्ठा लेकर के जा रही थी और सदर रास्ते के ऊपर साष्टांग दंडवत, माँ हमको कृपा करो हम बहुत अभागा है आप हमको कृपा करो हमारे राधा रानी के चरण में भक्ति प्राप्त गोसाई। तो कह रहे हैं उनको उपदेशामृत में है बस वो प्रणाम करने के साथ साथ मन निर्मल हो गया, प्रणाम करने के साथ साथ मन निर्मल हो गया। तो ये भगवती भावना सब में है, अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयं अरहे दानमानभ्यं मैत्री अभिन्न चक्षुषा। अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयं, सब जीव के अंदर ये शरीर बना करके कृत आलय माने घर बना करके मैं ही निवास कर रहा हूँ, अलग नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं नाना प्रकार शरीरधारी अलग अलग नाम देते कुत्ता बिल्ली अलग अलग से ये अनुसार, लेकिन वास्तव में मैं ही उनके अंदर निवास कर रहा हूँ। अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयं अरहे दान मानव भय मैत्री चक्षुषा, तो इसीलिए तुम सबके अंदर मैं हूँ ऐसा जान करके दान मान मैत्री इत्यादि के तरह उनको सम्मान करना, कैसे नहीं अभिन्न चक्षुषा हम में और उनमें उनके अंदर जो मैं ही हूँ ऐसा अभिन्न जान करके तुम सबको सम्मान करना। श्रीमद् भगवत बहुत सुंदर है।